हमीरपुर जिला में टॉनिक देवी क्षेत्र के गांव बुरवाना में पिछले करीब 15 दिनों से पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि लोगों को पानी न होने की वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इसकी शिकायत कई बार स्थानीय विधायक व संबंधित विभाग को दे चुके हैं, लेकिन विभाग टस से मस नहीं हो रहा है और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पानी पीने योग्य भी नहीं है और पानी में भारी मात्रा में गंदगी आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गांव के लिए जो ओवरहेड टैंक बनाया गया है उसे पूर्णता रूप से नहीं भरा जा रहा है और कई दिनों के बाद पानी आता भी है तो सिर्फ एक या दो बाल्टी एक परिवार को मिल पाती है, जिससे गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। स्थानीय गांव की गृहणियों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि वह अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। हमारे को एक महीने से पानी नहीं आ रहा है, आज 4 बाल्टी पानी की आई हुई। जब हम पानी वाले को फोन करते हैं तो वो सुनाई नहीं करते हैं, उनका स्विच ऑफ आता है और बोलते हैं जी टैंक खाली है, ये जवाब देते हैं हमारे को, और झूठ बोलते हैं जी आज एक सड़क का काम लगा हुआ है, पाइपा खुले, जब पाइपा खुले तो मैन में कैसे पानी जा रहा है। फिर हमारे को बहुत समस्या है पानी में, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं तो पानी नहीं है। हम ऐसे करते हैं कि एक दूसरे से पानी लेते हैं, जैसे लोगों ने टैंक भरे हुए तो हम उनसे मांग मांग कर पानी लेते हैं। उधर में गर्मी में टैंकर से पानी भरे हुए अपने टैंकों में, तो अभी हम उनसे मांग कर पानी ले टुल्लू पंप लगा करके, और मेरा इतना बड़ा परेशान है, कहाँ जाऊंगी पानी लेने के लिए। पानी ठीक नहीं आ रहा है, पीछे से ना लाल पानी आ रहा है और पानी 4-5 दिन से पानी नहीं आया, आज आया था थोड़ी देर, वो भी आधा घंटे से कम नहीं आया पानी आया, वो साफ नहीं है। पहले लाल आता है फिर आता है साफ, जो पानी आ रहा है वो पर्याप्त है आप लोगों के परिवारों के लिए? नहीं नहीं पर्याप्त नहीं है सर, कितना पानी चाहिए? पानी तो चाहिए 10-12 घड़े तो चाहिए। पानी कितने दिन से नहीं आ रहा? मैडम 5-6 महीने हो गए हमें पानी, 2 महीने 1 महीना लगातार जो पानी खराब आ रहा, इसके बाद हम पानी आया ही नहीं, कने हूं पानी समस्या दिखा कितने दिन हो गए, हां कुत्ती ते लेकर पानी ते कुछ बच्चियां रहे है खाती नहीं है, कढ़ा रही ने टैंक नहीं कढ़ा रही, तो कुत जाना है पानी से, फिर हूं को बीमार कुछ मार्किंग कई गल ना हुई है, कितने दिन ते पता जो पानी आने जो फोन करना तब उन्हें पीछे ते नहीं आई करता, तब पाइप टूटी रही, फिर पाइप टूट रही तो बोले तबले पानी नहीं आता, हम कुछ दे देना बोले पानी तू हाँ टैंक भरना नहीं टैंक कुछ नहीं करना, जी आना फिर आना बोलना बस कल आ जाना पानी, तेज देखना तो फिर 15-15 दिन हाँ जो फिर पानी नहीं आया, आना तो 2 घड़े आने चले जाना पानी, फिर हम कुछ जाना पानी जो है डिमांड नहीं मैडम, जो 3 दिन भी हम जब खुला पानी आ जाओ ना भी ठीक है, प्रेशर पानी नहीं आई करता हम जो था पानी नहीं आई करना, लड़के लाने के फायदा भी लगते हैं है भी घोड़ा थोड़ी नहीं नहीं देंगे, तसली के मांगते इसके लिए हां जी तसली के मांग करते हैं, प्रश्न नहीं मांगते हैं कि हमें पानी आना चाहिए, जब हम फोन करते हैं उनको तो नहीं उठाते हैं फोन को, तो स्विच ऑफ कर देते हैं, वो विधायक आपके हो गए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि पानी पीछे से ही नहीं है। परशुराम है, परशुराम जी आपको पानी की समस्या है कितने समय से? हमारे को तो लगभग 6 महीने पहले पानी ठीक था, 6 महीने के बाद पानी की समस्या शुरू हो गई, तो बहाना तो एक है कि हाईवे रोड का काम चला हुआ है, वो पाइप में तोड़ रहे हैं, वो तो हमारे को नजर आता ही है, लेकिन जो टैंक बनाया था उस टैंक में फुल पानी नहीं डालते हैं, 1 फुट या 2 फुट पानी डालते हैं, 3रे दिन पानी छोड़ देते हैं, 3रे दिन जब पानी छोड़ेंगे तो किसी के लड़के में 1 बाल्टी आएगी 20 लीटर आएगा, किसी में 40 लीटर आएगा, फिर इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज पानी नहीं आया, चाहे 1 लीटर आया लेकिन आया, लेकिन उसका मतलब है पर्याप्त पानी नहीं आया ना, गुजारा नहीं हुआ तो पानी आने का मतलब कोई है ही नहीं है, कि नलका खोला पानी आया, बाल्टी भरी तो नलका पानी चला गया, कनेक्शन खत्म हो गया, तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो टैंक बनाया है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको भर दिया जाए, फिर जो फिट रहे या पानी छोड़ने वाला है उसको छोड़े, फिर हर एक घर को पानी पहुंच सकता है, और कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग, वो तो हमारे बस की बात नहीं है कि किसी ने मेन पाइप से लिया है, किसी ने कहाँ से लिया है, वो लेते रहे, हमारे को किसी की कोई तंगी नहीं है, हमारे को अपना मतलब है कि हमारे को पानी आना चाहिए, कोई चाहे दरिया से लाए चाहे हाथ से मर्जी ले ले,
हमारे को नहीं मतलब कोई हमारा कोई कोई किसी को कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा पानी आना चाहिए हमारे, क्योंकि टैंक बना हुआ है। अगर टैंक में जो एक्स्ट्रा लोगों को मतलब कनेक्शन दे दिए हैं उसको विभाग चेक करे किसके आधार पर दिए हैं, किसने दिए हैं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। सर अभी जो पानी आ रहा है आपने बताया कि साफ नहीं है, पानी तो साफ नहीं है, पानी तो वही है मतलब कलर है, लाल रंग का है, मिट्टी वाला है, और जब तक वो साफ आना शुरू हो जाएगा ना 5 मिनट के बाद, तब तक पानी बंद हो जाएगा। अभी प्रशासन को शिकायत की आपने? प्रशासन को शिकायत अभी तो पहले भी की है, अभी भी कर रहे हैं, अभी तो क्या रिटर्न में भी क्या शिकायत करनी है। सबसे बड़ी बात है कि शिकायत करने की बात यह है कि जिन आदमियों की ड्यूटी है जो डिपार्टमेंट में है, जो फील्ड में खुद भी आ सकते हैं, वो उनको भी दबाना चाहिए। इतना गांव है, इतनी पंचायतें हैं, पंचायत में जाएं, वार्ड पंच को पूछें या प्रधान को पूछें कि यहाँ पानी जो है लोगों को क्या क्या तंगी है, क्या नहीं है, या खुद देखे, वो जय देखे आकर के जास्तियों देखे, जो जो उनका मतलब फील्ड में आने का टाइम है या पीरियड होता है उसमें आए, वो चेक करके जाए, रिपोर्ट करने की जरूरत क्या है इसमें, वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, हमारे को मतलब ही नहीं किसी के बारे में कोई मतलब शिकायत करने की।